चांदीवली में साईं बाबा और उनके भक्तों की अनोखी सेवा करते हुए समाज सेवक दिखाई दिए। समाज सेवक संजय नागरेचा एवं उनके परिवार के लोग साईं बाबा की पालकी को लेकर हनुमान नगर से शिरडी जाने वाले साईं बाबा के भक्तों की हर साल तन मन और धन से सेवा करते हैं। हनुमान नगर से निकलने के बाद साईं बाबा की यह पालकी समाज सेवक संजय नागरेचा के बंगले पर कुछ समय विश्राम लेती है। पूजा अर्चना के बाद यह साईं पालकी आगे शिरडी के लिए रवाना हो जाती है। आइए हम आपको साईं पालकी मंडल से जुड़े लोगों की क्या राय है वह सुनाते हैं। इसके अलावा नागरेचा परिवार का साईं पालकी और साईं बाबा को लेकर क्या कुछ कहना है वह भी हम आपको सुनाएंगे। आज हम खड़े हैं कांदीवलीपुर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे संजय नागरेचा जी के यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पालकी आई हुई है। संजय जी, हम जानना चाहेंगे कहाँ से काका आप निकाल रहे हैं और यहाँ से लेके आप कहाँ कहाँ पे रुकते हैं और क्या उद्देश्य होता है पालकी निकालने का साईं बाबा का? हमारे यहाँ पालकी का ये चालू करने के लिए साथ में जिसको आना चाहते हैं, बहुत से आदमी के जो जाते हैं लेकिन वहाँ दर्शन नहीं होता है, उनको पैदल जाते हैं यहाँ से आदमी। सबकी भावना है कि बाबा को दर्शन लेने का है। अभी आज किसी को भी आप सब वही बताएंगे, हमको बाबा का दर्शन लेने का है। हम चल पैदल आएंगे, जो भी तकलीफ हो आप लोग सहेंगे, लेकिन बाबा का दर्शन हमको चाहिए। ये धरती से सब लोग हमारे साथ, इसका उद्देश्य वही है। और अभी यहाँ से निकल स्पॉट रात का ये भिवंडी में हमको 8 दिन लगता है यहाँ से पहुँचने के लिए। नाइट होता है, जैसे भिवंडी है, इगतपुरी है, अपना गोटेगा है, कसारा है, ऐसे टोटल 8-16 स्पॉट रहते हैं हमारे। टोटल कितने लोग आपके साथ में जा रहे हैं इस पालकी में? 110 आदमी है। और इनके खाने पीने की व्यवस्था है, सब कैसे मैनेज करते हैं आपके मंडल में? हम लोग यहाँ से निकलने के पहले हमारे एक गाड़ी निकलती है, टोटल तीन टेम्पो रहते हैं। एक टेम्पो में खाने का सामान रहता है, सबका बैग रहता है, और एक टेम्पो में पीने का पानी रहता है, जो यहाँ से बिस्लरी हम लेके जाते हैं ताकि किसी को बीच में कहीं तकलीफ ना हो। जो ये सहयोग है आपके सरकार से आम लोगों का मिल पाता है, जो इस तरह से जो सेवा कर रहे हैं साईं बाबा के प्रति, पालकी निकाल रहे हैं, वह निरंतर चलता रहे। देखो आप, इतने आदमी हमारे साथ में आए, इनके सपोर्ट हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उनका सपोर्ट तो है ही। उसके आपके जैसे आदमी भी हमको सपोर्ट करते हैं, जो आते आप यहाँ इनके घर पे आए, इन्होंने भी सपोर्ट किया। दिन बे दिन आदमी बढ़ते जा रही है, उसमें कम नहीं। बाबा की भक्ति में आदमी का भक्ति कम दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे हम लोग 40 आदमी ने, आज कम से कम 110 आदमी है। संजय भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ पे कितने दिनों से पालकी आती है, फिर यहाँ पे कुछ समय रुकती है, फिर आगे प्रस्थान करती है, कैसा लगता है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, बाबा की तो कृपा है हमारे पे हमेशा। और इसी है 3 साल से हम लोग भी के लाभ ले रहे हैं बाबा के साथ, और ये मंडल के अंदर हमने 3 साल से जुड़े और हर साल इसी तरह से जुड़े रहे, बाबा की कृपा रहे, बस इतनी चाहते हैं। साईं बाबा की पालकी अभी देख रहे हैं यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद कुछ देर बाद यहाँ से फिर प्रस्थान करेगी। इस मंडल काफी पुराना है, इसी तरह से इनकी निरंतर सेवा चल रही है। मंडल को शुभेच्छा देना चाहेंगे कि इसी तरह और भी निरंतर साईं बाबा के प्रति जो आस्था श्रद्धा सेवा है वो बनी रहे। विकी भाई, क्या कहना चाहेंगे, शुभेच्छा देना चाहेंगे इस मंडल को आपके यहाँ पे साईं बाबा की पालकी? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा ग्रुप है और इनके इतने सेवा भाविक लोग है, हम भी हर साल खुश होते, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने खुश होते हम। जी है यहाँ पे, हम यहाँ हमेशा आते हैं, धार्मिक है। थैंक्स। काफी लोग यहाँ पे मतलब कहते हैं, और हम और शुभेच्छा देना चाहेंगे मंडल को, क्या कहेंगे साथ की आपके यहाँ आई हुई? बहुत अच्छा है, जो कर रहे बहुत अच्छा कर रहे। क्या बोलना चाहेंगे? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा सबको होना चाहिए। साईं बाबा की जो पालकी आई हुई है, बहुत से लोग इकट्ठा हुए, सभी को पूजा किए, साईं बाबा से जो भी मन्नत थी मांगे। अभी थोड़ी यहाँ से रवाना हो जाएगी कैमरा बंटी के साथ, जटा सिंह, इंडिया न्यूज़।